नवरात्र के इस पावन पर्व पर संस्कार धानी माता की भक्ति में सराबोर है। हर कोई आस्था में डूबा हुआ है। मंदिरों में माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लग रही हैं। हर कोई माता के दर्शन और पूजन कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहा है। रति चौक स्थित सार्वजनिक पार्क में काबिज भेजा कब्जों को नगर निगम नहीं हटा रहा, जिसकी वजह से बच्चों को और बुजुर्गों को असुविधा हो रही है। नगर निगम की जन सुनवाई में पहुंचे लोगों ने बताया कि कोर्ट का आदेश हो चुका है, उसके बावजूद दबंगों के कब्जे नहीं तोड़े जा रहे। रेल के निजीकरण और वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ में वंशवाद को बढ़ावा देने का विरोध करते हुए मजदूर संघ ने रेल जोन जीएम ऑफिस तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। मजदूर संघ के पदाधिकारियों और रेल कर्मचारियों ने इस दौरान नारेबाजी की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई साप्ताहिक जन सुनवाई में शिकायतकर्ताओं का तांता लगा रहा। घरेलू विवाद, आपसी लेन देन, संपत्ति और असामाजिक तत्वों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराने आवेदक जन सुनवाई में पहुंचे। हिस्ट्री शीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक और उसके रिश्तेदारों की संपत्तियों की जांच प्रशासन द्वारा तेज कर दी गई है। मंगलवार को नगर निगम का अमला भारी पुलिस बल के साथ अब्दुल रज्जाक के नया मोहल्ला रपटा स्थित घर और अन्य संपत्तियों की नफाई करने पहुंचा। इस दौरान घरों में ताला लगा होने के कारण नगर निगम और पुलिस की टीम को घंटों इंतजार करना पड़ा। आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे नगर निगम में अधिकारियों की सुविधाओं में कटौती की जा रही है। इसी के तहत 65 में से 20 गैर जरूरी लैंडलाइन फोनों के कनेक्शनों को काट दिया गया। मां नर्मदा तट ग्वालीघाट स्थित बस स्टैंड बदहाली का शिकार है। बस स्टैंड के आसपास अवैध सब्जी मंडी काबिज हो गई है। ऐसे में बसों की पार्किंग और आवाजाही के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। कोरोना काल की बंदिशों के चलते पिछले 2 सालों से गरबे और डांडिया के बड़े आयोजनों पर भले ही प्रतिबंध हो, लेकिन गरबे के छोटे आयोजनों के जरिए श्रद्धालु मां की भक्ति और आराधना कर रहे हैं। नवरात्र के पावन पर्व पर श्रद्धालु धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी माता की भक्ति और आराधना कर रहे हैं। पूजन पाठ के साथ ही माता की चौकी और भजन संध्या के जरिए मां की स्तुति की जा रही है। इसी कड़ी में गोरखपुर क्षेत्र में श्रद्धालुओं ने माता की चौकी का आयोजन किया। शहर में चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। घमापुर थाना क्षेत्र शुक्ला होटल के नजदीक एक घर में धावा बोलकर चोरों ने मोबाइल, लैपटॉप और नकदी सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। गांधी जयंती की तर्ज पर मिलादुन्नबी पर भी पूरे प्रदेश में शराब की बिक्री प्रतिबंधित की जाए, ये मांग उठ रही है। हसनी हुसैनी कमेटी के सदस्यों ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें 19 अक्टूबर को प्रदेश की सभी शराब दुकानों को बंद रखने की मांग की गई। मझौली थाना क्षेत्र के ग्राम मुरैठ में एक वैगनआर कार तालाब में जा गिरी। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार मझौली से जबलपुर की ओर जा रही थी। नमस्कार, बीडीवी न्यूज में स्वागत है आपका इस बुलेटिन के साथ। मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नवरात्र पर्व पर माता की आराधना में डूबे भक्त, देवी मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए लग रही भक्तों की कतारें। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि का विधि विधान से हुआ पूजन। नगर निगम में खर्चों की कटौती को लेकर 20 लैंडलाइन फोन कनेक्शन काटे गए। कुछ अधिकारियों से छीनी गई ये सुविधा चर्चा का विषय बनी। जनता को भी होगी परेशानी। और हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के नया मोहल्ला रपटा स्थित घर की नफाई करने पहुंचा नगर निगम का अमला। घर में ताला लगा होने की वजह से नगर निगम की टीम को कार्य शुरू करने के लिए करना पड़ा इंतजार। नवरात्र के इस पावन पर्व पर संस्कारधानी माता की भक्ति में सराबोर है। हर कोई आस्था में डूबा हुआ है। मंदिरों में माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लग रही हैं। हर कोई माता के दर्शन और पूजन कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहा है। नवरात्र के इस पावन पर्व पर माता के दरबार सजे हुए हैं। चहुं ओर माता की भक्ति की बयार बह रही है। हर कोई आस्था और उत्साह के साथ माता रानी के दर्शन और उनका पूजन पाठ कर रहा है। शहर के सभी प्राचीन मंदिरों, देवी मठों और सिद्ध शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है।
भक्तों की लंबी कतारें मंदिरों में लग रही हैं। मनोकामना पूर्ति की इच्छा के साथ भक्त माता रानी के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और माँ का पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। देवी मंदिरों में सुबह से लेकर रात तक माँ के जयकारों और घंटों की ध्वनि की गूंज सुनाई दे रही है। राज्य राजेश्वरी माँ त्रिपुर सुंदरी, बड़ी खेरमाई, बूढ़ी खेरमाई, बरेला शारदा मंदिर, माँ बगला मुखी मंदिर सहित सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। माता रानी के दरबार पर हम और हमारे सारे परिवार वाले आए हैं और हम हर साल आते हैं माता रानी के दर्शन करने। मनोकामना पूरी त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करने हमेशा आते हैं और ये मंदिर बहुत ही अच्छा है। मतलब इस मंदिर का बहुत महत्व है। हमने बहुत सुना था इस देवी माँ के बारे में, अभी तक कभी आए नहीं थे। अभी पहली बार हमारी दोस्त की फैमिली की वजह से हमें आने का चांस मिला है। अब आएंगे और हमारी मनोकामनाएं पूरी करेगी देवी, आज दर्शन लेंगे। बहुत भीड़ जमी है फिर भी हम आए, हमारे बच्चों को लेकर आते हैं। मनोकामना पूरी होती थी फिर सुंदरी माता में आते हम लोग, हमेशा आते हैं। नवरात्रि के सातवें दिन मां के कालरात्रि स्वरूप के पूजन का विधान है। शास्त्रों के अनुसार मां कालरात्रि की पूजा अर्चना से भक्तों के सभी प्रकार के दुख और विघ्न दूर हो जाते हैं। माता का ये स्वरूप बहुत विकराल है। धर्म ग्रंथों के अनुसार मां कालरात्रि का पूजन करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। रद्दी चौकी स्थित सार्वजनिक पार्क में कागज भेजा कब्जों को नगर निगम नहीं हटा रहा, जिसकी वजह से बच्चों को और बुजुर्गों को असुविधा हो रही है। नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचे लोगों ने बताया कि कोर्ट का आदेश हो चुका है, उसके बावजूद दबंगों के कब्जे नहीं तोड़े जा रहे हैं। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में इस सप्ताह कुल 19 शिकायतें पहुंची, जिनमें से अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रहीं। मदन महल आमनपुर से आए लोगों ने शिकायत की है कि आवासीय कॉलोनी की बाउंड्री वॉल तोड़कर लोग सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी शिकायत सुनने तक तैयार नहीं है। आमनपुर में चंद्रिका पार्क में हम लोग सभी लोग रहते हैं, 26 डुप्लेक्स बने हुए हैं। जब बिल्डर ने हम लोगों को कॉलोनी हैंडओवर किया था, उस समय सिक्योरिटी दीवार बना के दिया था। वो दीवार जो बाजू वालों है उन्होंने तोड़ दिया है और उन्होंने बड़ा गेट लगा दिया है, अमित पटेल करके है, जिनका काफ़ी बड़ा प्लाट पड़ा हुआ है। वो चाहते हैं कि हम वहाँ पे जो मकान बनाएं उसका यहाँ से आना जाना हो, तो हमारा जो है सिक्योरिटी के हिसाब से हमारा फालतू लोग आने लगे। वहीं रद्दी चौकी जेडीए कॉलोनी से आए लोगों ने बताया कि जेडीए के सार्वजनिक पार्क पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है, जिसके कारण बच्चों एवं बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। अगर कब्जे को अलग करके और गार्डन को जो है विकसित करके बच्चों का हक बच्चों को दिलाया जाए। मात्र जो है छोटे छोटे चार जो है कब्जों को उनने जो है जिसमें खप्पा तीन लगे थे उनको थोड़ा बहुत तोड़ा और तोड़ने के बाद चले गए। वे SDM साहब से बहुत ज़्यादा गुजारिश किया, अनुरोध किया कि मैंने कहा श्रीमान जी जो है कि बड़े बड़ों के अभी भी कब्जे जो है हटे नहीं हैं और आप लोग जा रहे हैं। उन्होंने मुझे कोई संतुष्टि उत्तर नहीं दिया और चले। इसी प्रकार गौरीघाट रोड आइडल हिल से लोगों ने सड़क धसक जाने की शिकायत की और बताया कि किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। जो रोड है वो आधे से ज़्यादा धस गई है, वो किसी दिन कोई गंभीर घटना ना हो, कोई स्कूल बस या जो आने जाने वाली गाड़ियाँ को तो बाजू में जो नाला है वो खाई के टाइप का है, वो खाई की वजह से क्या होता है किसी दिन भी कोई ऐसी बड़ी घटना ना हो जाए, उसको लेकर आज हमने जनसुनवाई में दिया है कि उसको तत्काल बनाने की आवश्यकता है और इस संदर्भ में आज यहाँ ज्ञापन। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए अपर आयुक्त महेश कुमार कोरी ने आवेदकों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। रेल के निजीकरण और वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने वंशवाद को बढ़ावा देने का विरोध करते हुए मजदूर संघ ने रेल जोन GM ऑफिस तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। मजदूर संघ के पदाधिकारियों और रेल कर्मचारियों ने इस दौरान नारेबाजी करते हुए कहा कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ रेलवे का निजीकरण बर्दाश्त नहीं करेगा। रेलवे के निजीकरण और वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने
गहराए वंशवाद के विवाद के विरोध में वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ के पदाधिकारियों और रेल कर्मचारियों ने रेल जोन जीएम कार्यालय तक पैदल रैली निकाली। रैली का नेतृत्व मजदूर संघ के डिविजनल सेक्रेटरी डीपी अग्रवाल ने किया। जीएम कार्यालय पहुंची रैली में शामिल कर्मचारी नेताओं ने प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए रेल के निजीकरण और मजदूर संघ में बढ़ रहे वंशवाद का विरोध करने की बात कही। कर्मचारी हाथों में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का झंडा थामे नारेबाजी करते हुए जीएम ऑफिस पहुंचे थे। आज हमने रैली निकाली, रैली निकाल के विरोध प्रदर्शन किया, रेलवे में जो प्राइवेटाइजेशन है उसका भी विरोध किया, वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ में भी जो प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश किया जा रहा है उसका भी हमने विरोध किया और हम इसको उखाड़ के फेंकेंगे। वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि रेल के निजीकरण की जो कोशिशें सरकार द्वारा की जा रही हैं, उसे कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा, इसका हर स्तर पर विरोध होगा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई साप्ताहिक जन सुनवाई में शिकायतकर्ताओं का तांता लगा रहा। घरेलू विवाद, आपसी लेन देन, संपत्ति और असामाजिक तत्वों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराने आवेदक जन सुनवाई में पहुंचे। आवेदकों ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन देकर शिकायतों के निराकरण और न्याय की गुहार लगाई। कोरोना काल के बाद प्रदेश सरकार के निर्देश पर शासकीय कार्यालयों में एक बार फिर साप्ताहिक जनसुनवाई का दौर शुरू हो गया है। आवेदकों की शिकायतों और समस्याओं को दर्ज कर उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। इस मंगलवार को जनता दरबार के माध्यम से पुलिस अधिकारियों ने आवेदकों की शिकायतें और समस्याओं को सुना। जनसुनवाई में 2 दर्जन से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई। इनमें घरेलू विवाद, संपत्ति विवाद, आपसी लेन देन और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की शिकायतें दर्ज की गईं। जी सर, क्या है कि हम लोग देवघर के रहने वाले हैं, थाना गोसलपुर, धर्मेंद्र कोरी, राजा कोरी, आशीष कोरी, इनके आए दिन के अंदर समाज के अंदर व्यवहार करना, चाकूसरा मारना, आए दिन लोगों को परेशान करना, आए दिन के आतंक है, जिनकी रिपोर्ट कई गोसलपुर थाने में है, लेकिन किसी में जाँच की जाती है, किसी में जाँच नहीं की जाती है। अभी इस लड़के को उनने तालाब में रोक करके चाकू मार दिया। 2 दिन पहले इनको इनसे पूछा गया कि मतलब तुम काम से कितने टाइम आते हो, इनने बताया 8 बजे, 8 बजे ठीक 8 बजे इनको चाकू मारी गई, जिसकी कार्रवाई गोसलपुर थाने ने की, लेकिन नारायण धारा लगा उसको बिल भेज दिया गया। दुर्घटना ये हुई सर कि मैं काम करके जा रहा था रात को 8:30 बजे घर, तो रास्ते में बुढ़ागर और देवनगर के बीच में मेरे को रोक कर मेरा मोबाइल छीना गया, जेब में 5,000 रुपये थे वो भी छीन लिए और मेरे को सर चाकू मारा उन्होंने। पुलिस अधिकारियों ने जनता की शिकायतों को सुनने के बाद उनकी शिकायतों की जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया। हिस्ट्री शीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक और उसके रिश्तेदारों की संपत्तियों की जांच प्रशासन द्वारा तेज कर दी गई है। मंगलवार को नगर निगम का अमला भारी पुलिस बल के साथ अब्दुल रज्जाक के नया मोहल्ला रत्ता स्थित घर और अन्य संपत्तियों की नपाई करने पहुंचा। इस दौरान घरों में ताला लगा होने के कारण नगर निगम और पुलिस की टीम को नपाई का कार्य शुरू करने में घंटों इंतजार करना पड़ा। हिस्ट्री शीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक, उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों की संपत्तियों की जांच प्रशासन ने तेज कर दी है। मंगलवार को नगर निगम भवन शाखा की टीम भारी पुलिस बल के साथ अब्दुल रज्जाक के नया मोहल्ला रपटा स्थित घर और अन्य संपत्तियों की नपाई करने पहुंच गई। नगर निगम के भवन शाखा के बिल्डिंग ऑफिसर सब इंजीनियर मनीष तड़से के नेतृत्व में पहुंची नगर निगम टीम को यहां भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। घरों में ताले लगे होने की वजह से टीम घंटों नपाई का कार्य शुरू करने का इंतजार करती रही। सब इंजीनियर मनीष तड़से ने बताया कि संपत्ति मालिकों के अधिवक्ताओं की मौजूदगी में नगर निगम की टीम को संपत्ति की नपाई का काम शुरू करना था। इसके लिए विधिवत नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन घरों में ताला लगा होने की वजह से कार्य में विलम्ब हो रहा है। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों ने अधिवक्ताओं के माध्यम से घर की चाबियां मंगाए जाने की बात भी कही और चाबियां आने के बाद नपाई का कार्य शुरू किया गया। आज निर्माणकर्ताओं द्वारा जो मकान बनाए गए हैं उनकी नाप करने आए थे, इनके अधिवक्ताओं को हमने पहले सूचना दे दी थी और उनके अधिवक्ताओं ने कहा कि 12 तारीख को हम उपस्थित रहेंगे और हम नाप करवाएंगे। उनके अधिवक्ता महोदय भी सब आ गए हैं, मकान की चाबी आ रही है, मकान की चाबी आने के बाद विस्तृत नाप होगी, तब जाकर जो है अग्रिम कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। कितने समय से बैठे हैं? हमको करीब करीब 1 घंटा हो गया है, अभी अधिवक्ताओं के माध्यम से हमारी बात हो रही है। क्योंकि मकान परिवर्तन लग रहा है, बढ़ के बनाएंगे, अभी तो आप खुद ही देख रहे हैं दीवारें इतनी ऊँची है कि अंदर देख पाना जो है मुश्किल है। दरवाजा खुल जाए, विस्तृत नाप हो जाए, फिर बता पाएंगे कि क्या है क्या नहीं।
ऐसी चर्चा है कि हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक की डेढ़ दर्जन से ज्यादा संपत्तियों की नापजोप होना है और नापजोप के बाद इनके अवैध हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इन संपत्तियों पर ताला जड़ा होने के कारण नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की टीमों को संपत्तियों की नापजोप करने में ही मुश्किलों और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे नगर निगम में अधिकारियों की सुविधाओं में कटौती की जा रही है। इसी के तहत 65 में से 20 गैर जरूरी लैंडलाइन फोनों के कनेक्शनों को काट दिया गया है। नगर निगम मुख्यालय और 16 जोन कार्यालयों में लगे टेलीफोन कनेक्शनों में से करीब 20 फोन कनेक्शन काट दिए गए हैं ताकि खर्चों में कटौती हो सके। यानी अब कई लैंडलाइन नंबरों पर जनता की बात अधिकारियों से नहीं हो पाएगी। पहले करीबन 60 से 70 कनेक्शन थे जो लैंडलाइन में सभी जोनों में और अन्य जगह काम कर रहे थे, लेकिन देखा गया कि कहीं कहीं कुछ नंबर यूज में नहीं थे, तो पूर्व आयुक्त महोदय श्री अनूप कुमार जी के द्वारा निर्देश दिए गए कि इनमें पूरा समीक्षा करो और जो नंबर काफ़ी दिन से बंद है, जो अनयूज हैं, उनको बंद कराया जाए। ऐसे पिछले माहों में करीबन 20 नंबर जो है लैंडलाइन जिनका यूज नहीं था उनको बंद कराए गए। खास बात यह है कि काटे गए फोन नंबरों में प्रशासक कार्यालय का नंबर भी शामिल था, लेकिन जैसे ही भूल का एहसास हुआ केबल फॉल्ट का बहाना बनाकर उसे चालू करा दिया गया। उस प्रशासक का भी चालू है? प्रशासक का नंबर चालू है, वो लैंडलाइन एयरटेल में क्या है कि वो उसमें केबल में फॉल्ट है, इसके कारण से अभी बंद हो गया, वो आजकल में चालू हो जाए। बहरहाल जानकार कहते हैं कि छोटे छोटे खर्चों में कटौती करने की बजाय बड़े ठेकों में हो रही घपलतबाजी को रोकने से आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। नगर निगम के पास स्वयं के 50 से ज्यादा मार्केट हैं जिनमें कभी किराया नहीं बढ़ाया जाता और न ही मार्केटों को एक्सटेंड करने की कोशिश की जाती है। यदि इस ओर ध्यान दिया जाए तो स्थायी आय में बढ़ोतरी हो सकती है। माँ आदिशक्ति की आराधना के 9 दिनी पर्व की हर तरफ धूम मची हुई है। दुर्गा माँ की उपासना के साथ ही नवरात्र पर्व की अन्य विशेषताएं भी इस उत्सव के दौरान पूजा पाठ तो होता ही है, लोग गरबा और डांडिया नृत्य के माध्यम से भी माँ की भक्ति में डूब जाते हैं। कोरोना काल की बंदिशों के चलते पिछले 2 सालों से गरबे और डांडिया के बड़े आयोजनों पर भले ही प्रतिबंध लगा हो, लेकिन गरबे के छोटे आयोजनों के जरिए श्रद्धालु माँ की भक्ति और उपासना कर रहे हैं। माँ जगत जननी की आराधना का महापर्व नवरात्र देश भर में उत्साह और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्र ऐसा त्योहार है जिसे लोग उत्साह और समर्पण के साथ मनाते हैं। इस उत्सव की कई विशेषताएं भी हैं। लोग पूजा पाठ तो करते ही हैं, साथ ही गरबा और डांडिया के आयोजनों में भाग लेकर इस त्योहार को उत्साह पूर्वक तरीके से मनाते हैं। कोरोना काल की वजह से इस वर्ष गरबे और डांडिया के बड़े आयोजनों पर बंदिश है, लेकिन छोटे स्तर पर गरबों का आयोजन कर भक्त माँ आदिशक्ति की आराधना में डूबे नजर आ रहे हैं। संस्कारधानी में भी गरबे के छोटे छोटे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जहां कोरोना गाइडलाइन का पालन कर भक्त गरबा और डांडिया में उत्साह पूर्वक भाग ले रहे हैं। छोटा सा उमंग गरबा उत्सव प्रस्तुत किया है यहाँ पर, जो हम लोग ने कोरोना काल को मद्देनज़र रखते हुए किया है। 2 साल से काफ़ी लोग नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, तो हम दोनों की एक छोटी सी सोच थी जिससे लोग जुड़े, और ये हमारे आसपास के ही लोग हैं, हमारे पड़ोसी हमारे साथ में जो हैं, जिन्होंने जानकी रमन कॉलेज के सहयोग से एवं नाट्य लोक संस्था के सहयोग से छोटा सा हम लोगों का सहयोग रहा यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, 2 साल बाद मौका मिला नवरात्रि में ऐसे इंजॉय करने का और वहाँ की आराधना करने का, बहुत ही अच्छा लगा। सारे फ्रेंड्स के साथ मिलके गैदर होके डांस करना, एंजॉय करना, सबसे काफ़ी अच्छा था। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग हमारे सभी के सहयोग के द्वारा मिल सके और इतना सारा एंजॉयमेंट कर सके। इतने 2 साल बाद कितनी सारी नेगेटिविटी आ गई थी हमारे आसपास, और कुछ लोग तो डिप्रेशन में जा रहे थे, कुछ जो जिनकी अच्छी सोच भी थी वो भी मतलब नेगेटिव एनर्जी वो लोग ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो हम चाहते थे कि सब लोग खुश हों इस नवरात्रि के पावन पर्व पर। जब 9 दिन माँ की आराधना होती है तो हमने कोशिश की है कि हम एक दिन सभी को मिलाकर एक दिन माँ की आराधना गरबे के द्वारा करने की कोशिश करें।
गरबे और डांडिया के इन कार्यक्रमों में कोविड गाइडलाइन का पालन भी प्रतिभागियों और आयोजकों के द्वारा किया जा रहा है। मां नर्मदा तट ग्वारी घाट स्थित बस स्टैंड बदहाली का शिकार है। बस स्टैंड के आसपास अवैध सब्जी मंडी काबिज हो गई है। ऐसे में बसों की पार्किंग और आवाजाही के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा है। हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माने जाने वाला ग्वारी घाट का बस स्टैंड बदहाली और उपेक्षा का दंश झेल रहा है। हालात ये है कि इस बस स्टैंड पर अवैध सब्जी मंडी काबिज हो गई है, जिससे बस स्टैंड की स्थापना का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो रहा। स्थानीय लोगों की माने तो एक समय था जब बस स्टैंड से स्थानीय बसों की आवाजाही हुआ करती थी, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा के कारण बस स्टैंड बंद हो गया और धीरे धीरे यहां सब्जी मार्केट लगने लगा। सुबह शाम बस स्टैंड की इस जगह पर सब्जी की दुकानें और ठेले काबिज हो जाते हैं, जिससे बस स्टैंड की उपयोगिता ही समाप्त हो गई है। यहाँ सब्जी मंडी भी बना के रखा हुआ है, बोर्ड भी लगाया हुआ है इन्होंने, तो क्लियर कट ये रहना चाहिए कि यहाँ पे या तो बस खड़ा करने की जगह बनाए, दोनों एक साथ हो नहीं सकते यहाँ पे। हाँ, और बस स्टैंड का मेंटेनेंस उतना अच्छा नहीं है, साफ सफाई गंदगी आसपास जर्जर स्थिति में है। यहाँ इतना टाइम है बट बस स्टैंड का तो हमें बस ही नहीं दिखती, स्टैंड तो दूर की बात है। तो ये थोड़ा मेंटेन करना चाहिए, मतलब जैसे जबलपुर को स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं बट ग्वारी घाट एरिया आप देखोगे तो आप घाट भी जाके देखोगे वो भी इतना साफ़ सुथरा नहीं है। ये और सब्जी स्टैंड जो ये है तो इनको आप एक अलग जगह दे दो और बस स्टैंड के लिए आप एक अलग जगह दे दो, तो जो ये गंदगी है वो भी नहीं फैलेगी। बस स्टैंड आज से नहीं है, मैं तो इसको कम से कम 97 से देख रहा हूँ। इससे मैं पहले जब ये स्टॉपर बना हुआ था, अब तो पुर गया है। ये तो बसों के लिए ही बना हुआ था, पर ये धीरे धीरे इसका इतना रख रखाव विहीन हो गया कि जर्जर हो गया, और नगर निगम को चाहिए कि इसको जीर्णोद्धार करें। पर्वों और त्योहारों पर मां नर्मदा के इस तट पर हजारों श्रद्धालुओं की आवाजाही होती है, लेकिन लोगों की आस्था के इस महत्वपूर्ण स्थान पर बस स्टैंड का ना होना दुर्भाग्य की बात है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। नवरात्र के पावन पर्व पर श्रद्धालु धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी माता की भक्ति और उपासना कर रहे हैं। पूजन पाठ के साथ ही माता की चौकी और भजन संध्या के जरिए मां की स्तुति की जा रही है। गोरखपुर क्षेत्र में श्रद्धालुओं ने माता की चौकी का आयोजन किया। माता की चौकी में भक्त बड़ी संख्या में शामिल हुए और देवी गीतों के माध्यम से माता की भक्ति में डूबे नजर आए। स्थानीय लोगों और आयोजकों ने बताया कि प्रतिवर्ष उनके द्वारा नवरात्र पर्व पर माता की चौकी और गरबे के धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, जिसमें हर धर्म के लोग शामिल होकर आपसी भाईचारे की मिसाल कायम करते हैं। नवरात्र पर्व पर माता की चौकी के माध्यम से भक्तों को पुण्य लाभ अर्जित करने का अवसर भी मिलता है। हमने कास्मो सिटी में सब ने मिलकर, यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, सभी मिलकर हम सब काम करते हैं। अगर माता की चौकी का आयोजन किया गया है, ऐसे ही गणपति का हम आयोजन करते हैं, क्रिसमस का आयोजन करते हैं और झूलाल भगवान के चालीसा के भी आयोजन करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारी कॉलोनी पूरी तरह धर्म निरपेक्ष है, यहाँ हर धर्म अपनी अपनी बातें रख सकता है। शहर में चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। घमापुर थाना क्षेत्र शुक्ला होटल के नजदीक एक घर में धावा बोलकर चोरों ने मोबाइल, लैपटॉप और नकदी सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। शहर में इन दिनों चोरों की बढ़ती सक्रियता से लोग परेशान हैं। लगातार चोरी की बढ़ती वारदातों ने पुलिस महकमे की भी नींद उड़ा दी है। घमापुर थाना क्षेत्र के शुक्ला होटल के पास आदित्य सिन्हा के मकान में चोरों ने धावा बोलकर नकदी, लैपटॉप, मोबाइल सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना की जानकारी लगते ही आदित्य ने घमापुर थाने में सूचना दी, जिसके बाद पुलिस का अमला घटना स्थल पर पहुंच गया। पुलिस ने चोरों का सुराग हासिल करने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली है। खास बात यह है कि घर में सीसीटीवी कैमरे तो लगे हैं, लेकिन हार्ड डिस्क खराब होने की वजह से कैमरों की रिकॉर्डिंग स्टोरिंग नहीं हो पा रही है। मैं घर से बाहर था रात को, तो मेरे मम्मी का फोन आया कि घर आ जाओ सुबह, कि अपने घर पे चोरी हो गई। तो मैंने तुरंत ही गांव पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मेरा लैपटॉप है, फोन है, कुछ कैश था तो हो गया है। मेरा कैश गया है और लैपटॉप गया है, तो लगभग आप ये समझिए 2 से 3 लाख की। ये एक आदित्य सिन्हा जी शुक्ला होटल के पास रहते हैं। इन्हें सूचना दी कि आज 11-12 की दरमियानी रात में इनके घर में अज्ञात चोरों के द्वारा ताला तोड़कर घर के अंदर से चोरी की गई है। मामले में डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट को बुला के जाँच की जा रही है।
और इनका जो लैपटॉप वगैरह और मोबाइल भी गए हैं, तो अभी जांच चल रही है। सीसीटीवी कैमरे बंद है तो सीसीटीवी कैमरे इनके घर में लगे हैं, लेकिन इनका कहना है कि इसकी हार्ड डिस्क खराब होने से स्टोरेज नहीं हो रहा है। लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन स्टोरेज की समस्या है, तो देखते हैं मोहल्ले में कहीं आसपास के अगर सीसीटीवी फुटेज मिलता है उसके आधार पर आगे की जांच की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए चोरों की पतासाजी करना शुरू कर दिया है। पुलिस इस घटना का पता लगाने संदेहियों की तलाश भी कर रही है। गांधी जयंती की तर्ज पर मिलादुन्नबी पर भी पूरे प्रदेश में शराब की बिक्री प्रतिबंधित की जाए, ये मांग उठ रही है। हसनी हुसैनी कमेटी के सदस्यों ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें 19 अक्टूबर को प्रदेश की सभी शराब दुकानों को बंद रखने की मांग की गई है। हसनी हुसैनी कमेटी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें 19 अक्टूबर मिलादुन्नबी को शराब की दुकानें बंद रखने की मांग की गई है। कमेटी के सदस्यों का कहना है कि दुनिया को अमन चैन और भाईचारे का संदेश देने वाले पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी वाले दिन हर साल संपूर्ण मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें और बिक्री पर पूर्ण रूप से एक दिवसीय पाबंदी लगाए जाने की गुजारिश है। सारी दुनिया में भाईचारे को और अमन को आम करने वाले पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस वाले दिन हम मध्य प्रदेश शासन से और बिलखसूस मुख्यमंत्री जी से हम ये आग्रह करते हैं कि आप मोहम्मद साहब के जन्म दिवस वाले दिन एक दिन के लिए कम से कम जिस दिन उनका जन्मदिन रहता है एक दिन उस दिन कम से कम शराब की संपूर्ण दुकानों पर एक दिन के लिए पाबंदी लगाई जाए और शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई जाए, जो बहुत बेहतरीन उनको श्रद्धांजलि होगी। कमेटी के सदस्यों का कहना है कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी हर वर्ष उनकी कमेटी इस मांग को सरकार के सामने उठाती रहेगी। मझौली थाना क्षेत्र के ग्राम मुरैठ में एक वैगन आर कार तालाब में जा गिरी। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार मझौली से जबलपुर की ओर जा रही थी, लेकिन ग्राम मुरैठ के मोड़ पर अनियंत्रित होकर कार तालाब में जा गिरी। हादसे के वक्त कार में 3 लोगों के सवार होने की बात बताई जा रही है। हालांकि कार में सवार लोग घटना में बाल बाल बच गए। इधर पुलिस को इस हादसे के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस का कहना है कि उन्हें ऐसी किसी भी घटना की कोई सूचना या लिखित जानकारी नहीं मिली है। बताया जाता है कि मुरैठ गांव में नई सड़क का निर्माण किया गया, लेकिन मोड़ पर ठेकेदार ने रेलिंग नहीं लगाई, जिसके कारण तेज रफ्तार अनियंत्रित कार तालाब में जा गिरी। कार में कौन लोग थे और कार किसकी है, फिलहाल इस संबंध में ग्रामीणों और पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।